मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया फिगर ऑफ स्पीच। उस नए फिगर ऑफ स्पीच का नाम है पन। अगर हम पन की बात करते हैं तो इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। अच्छा दोस्तों, श्लेष अलंकार को आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा। जब आप हिंदी में पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? यही पढ़ते हो ना, जब एक शब्द सेंटेंस में एक ही बार प्रयोग किया गया हो और उसके मीनिंग, उसके अर्थ अलग अलग निकलते हो तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल दे करके आपको समझाना चाहें तो कैसे, एक हिंदी का एग्जाम्पल बहुत प्रसिद्ध है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे जो पानी का मीनिंग है, समझिएगा, यहाँ पर जो पानी का मीनिंग है वो अलग अलग है, अलग अलग परिपेक्ष में अलग अलग अर्थ और मीनिंग देता है। जैसे मोती के सेंस में अगर हम इसको देखें तो पानी का अर्थ क्या होगा? चमक होगा। और अगर मोती मानुष, मानुष के सेंस में पानी का अर्थ देखें तो सम्मान के लिए, जैसे नहीं देखो इसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, डेट मीन्स पानी पानी हो गया। और अगर हम चून के परिपेक्ष में देखें तो इसका मीनिंग अलग होगा, इसका अर्थ अलग होगा, क्या होगा? जल। तो देखो मोती मानुष चून तीनों में पानी का तो यूज हुआ है, लेकिन पानी का मीनिंग अर्थ जो है वो क्या है? अलग अलग है। इसी को हम क्या कहते हैं? पन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे इंग्लिश में देखो, अ पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, पन क्या है? एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें जो पन का मीनिंग क्या होता है? चिपका हुआ। पन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? चिपका हुआ। अब इससे कई सारे मीनिंग क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं, यानी कि शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ उसमें कई सारे चिपके होते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं? डबल मीनिंग भी होता है ये, यानी कि हमेशा ये डबल मीनिंग में बात करेगा। और जब ये डबल मीनिंग होगा, यही हमारा क्या करता है? वाक्य में हंसी दिलाता है, यानी कि हास्य उत्पन्न करता है। इतनी चीजें हमको समझ में आ गई, यानी कि पन क्या है? शब्दों के साथ जो हम खेलते हैं, मतलब कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना वाली जो कहानी होती है वही हमारी क्या होती है? पन होती है। तो ये एक प्रकार का क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है। डेट इज ऑल्सो नोन एज प्ले ऑन वर्ड्स। अच्छा, जो प्ले ऑन वर्ड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान बनाए रखिएगा। ऐसे ही करके आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो प्ले ऑन वर्ड्स है वो कौन से फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है? तो आपको टिक करना है पन, ठीक है। पन को ही हम क्या कहते हैं? प्ले ऑन वर्ड्स कहते हैं, शब्दों से खेलना कहते हैं। शब्दों को जितना अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हो ह्यूमरस वे में, जिससे लोगों को हंसी आए, थोड़ा हास्यास्पद लगे, ठीक है, वही हमारा क्या है? पन है। मैंने पहले ही कहा था कि शब्दों के साथ जो हम खेल खेलते हैं, मतलब कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना वाली बात होती है, तो वहां पे पन फिगर ऑफ स्पीच होता है। पन द आर्ट ऑफ यूजिंग वन वर्ड हैविंग टू आर मोर डिफरेंट मीनिंग। जो पन होता है उसमें क्या होते हैं? टू आर मोर डिफरेंट मीनिंग होते हैं, यानी कि शब्द एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलेंगे। एंड ईच ऑफ देम, और प्रत्येक की जो बेफिट्स द सिचुएशन एंड क्रिएट्स पोएटिक ब्यूटी इन द एक्सप्रेशन। और जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो इसकी जो पोइट, इसको अच्छा एक्सप्रेस क्यों करते हैं, इसका प्रयोग क्यों करते हैं? जिससे कि उसकी पोएटिक ब्यूटी को क्या किया जा सके? क्रिएट किया जा सके। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। तो ये पन फिगर ऑफ स्पीच हमारा क्या होता है? अदर वर्ड्स में भी यहाँ पर देख सकते हो, अ पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच डैट प्लेज ऑन वर्ड्स। तो प्ले ऑन वर्ड्स ये जरूर ध्यान बनाए रखना। इन इट वर्ड्स आर यूज इन सच अ वे, इस तरीके के फिगर ऑफ स्पीच में शब्दों को इस तरीके से यूज किया जाता है डेट डिफरेंट मीनिंग क्रिएट्स ह्यूमर। जो इसका डिफरेंट मीनिंग होता है, जो अलग मीनिंग होता है, जो इसका डबल मीनिंग होता है, वो क्रिएट करता है क्या? क्रिएट करता है ह्यूमर और सरप्राइज क्रिएट करता है। या आप ये कह सकते हो कि वर्ड्स सेम इन प्रोनाउंसिएशन, जो प्रोनाउंसिएशन में जो शब्द होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे बट डिफरेंट इन मीनिंग आर स्पेलिंग, लेकिन इनका जो मीनिंग अर्थ होगा या स्पेलिंग होंगी वो अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पन कहेंगे। जैसे थोड़ा सा यहाँ पर भी समझ सकते हो, वर्ड्स कैसे हो सकते हैं सेम इन स्पेलिंग, या स्पेलिंग में सेम होंगे लेकिन उनका मीनिंग कैसा होगा? डिफरेंट होगा। जैसे मैं बात करूँ, मीनिंग देखो यहाँ पर जो वर्ड हैं वो बिल्कुल सेम हैं, बैट,
बैट का मतलब क्या होता है, एक क्रिकेट में खेले जाने वाला बल्ला होता है उसको हम बैट कहते हैं, जिससे हम गेंद को मारते हैं, एक वो होता है। और दूसरा बैट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, चमगादड़ होता है। ठीक है, एक पक्षी होता है चमगादड़। तो देखो शब्द एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। इसी को हम क्या कहते हैं, पन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इतनी बातें हमको समझ में आ गई। अगर इतने पर भी आपको समझ नहीं आया हो तो इधर उधर की बातें करके भी आप लोग समझ सकते हो। जैसे मैं एक बात करूं, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, क्रिकेट सबने सुना होगा। तो एक क्रिकेट का मतलब क्या होता है, झिंगुर होता है, झिंगुर। ठीक है, और दूसरा क्रिकेट एक खेल होता है, एक गेम होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर भी क्रिकेट की क्या है, डबल मीनिंग है। और डबल मीनिंग को ही हम क्या कहेंगे, पन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, पन कहेंगे। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना, इट प्लेज द वर्ड्स डैट हैव मल्टीपल मीनिंग। इसमें क्या होता है, इट, ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, इट प्लेज द वर्ड्स या यूज द वर्ड्स डैट हैव मल्टीपल मीनिंग, मल्टीपल मीनिंग। तो ये मल्टीपल मीनिंग ध्यान बनाए रखना आपको। ठीक है, ये चीजें आपको विशेष ध्यान बनाए रखना। ठीक है, डेट हैव मल्टीपल मीनिंग, क्लियर हो गया। यानी कि पन वह शब्द होता है जिनके कई अर्थ निकलते हैं। पन इज फन विद डबल मीनिंग गेम। ठीक है, पन इज यूज्ड इन द ड्रामा। पन क्या होता है, एक फन होता है, डबल मीनिंग गेम होता है। और पन का यूज कहाँ किया जाता है, वो या तो आपका ड्रामा में किया जाएगा, ठीक है, या किसी सेंटेंसेस में। और किस लिए किया जाता है, ह्यूमर को या लाफ्टर को क्रिएट करने के लिए। बात समझ में आया कि पन क्या है, एक प्रकार का पन क्या है भैया, डबल मीनिंग गेम है। यानी कि एक डबल मीनिंग गेम होता है और पन का उपयोग नाटकों में यानी कि ड्रामाज में या सेंटेंसेस में हास्य या हंसी को पैदा करने के लिए किया जाता है। इस तरीके से भी ना समझ पाए हो तो मैं थोड़ा सा इधर उधर की बातें करके आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। पन कभी भूलोगे नहीं, बड़ा प्यारा सा है पन। जैसे मान लीजिए तुमने देखा होगा कि फनी वे में, मान लीजिए एक मूवी हमने देखी थी और मूवी का नाम है साढ़े अड्डा। साढ़े अड्डा जब हम मूवी देख रहे थे तो वहाँ पे जो एक्टर होता है ना, कई सारे लड़के होते हैं, वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होते हैं, कोई जॉब में होता है। तो वो क्या करते हैं, एक उनका निश्चित समय होता है कि नीचे एक प्लेग्राउंड होता है, वहाँ पर कुछ लड़कियाँ जो हैं डेली वही शॉर्ट्स पहन करके क्या करने, गेम खेलने आया करती थी। तो ये लोग अपने बालकनी में जाकर के खड़े होकर के क्या करते थे, लुत्फ़ उठाते थे। यानी कि वही चीज़ें हैं जो लड़कों की मानसिकता ज़्यादातर होती है, ठीक है। तो उसी समय एक फ़ोन आ जाता है और अचानक से जब उनके पैर होते हैं तो अचानक से एक लड़के के मुंह से निकला, बाओ क्या टांगे हैं, ठीक है। तो देखो एक शब्द उन्होंने बोला, टांगे। अब वो उधर से आवाज आती, क्या बात कर रहे हो टांगे भाई, अरे मैं तस्वीर को टांगने की बात कर रहा हूं। तो देखो यहां पर टांगे की दो मीनिंग है कि भैया एक तस्वीर को टांगना है, या मान लीजिए किसी भी चीज को दीवार पर टांगना है तो उसको टांगे, टांग दो वहां पे। और दूसरा पैरों के लिए कहते हैं टांगे, किसको कहते हैं, पैरों के लिए। तो हमने कहा टांगे, तो आप टांगों से मतलब या तो पैर समझोगे या बोले कहां टांग दें, वो वाला मीनिंग है, तो डबल मीनिंग। तो यहां पर भी क्या है हमारा, पन फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है भैया आपका, पन फिगर ऑफ स्पीच है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। दूसरी, मान लीजिए थोड़ा सा बहुत फनी है, इससे भी ज्यादा फनी है। मान लीजिए कोई भी लड़का एक छत पे चढ़ा और अपने दोस्त से कह रहा है, आज मैंने उसको कपड़े उतारते हुए देखा, आज मैंने उसको कपड़े उतारते, बोले ए क्या बात कर रहा है, आज मैंने उसको कपड़े उतारते, यानी कि उसके दिमाग में कुछ दूसरी बात गई, बोले नहीं यार उसने कपड़े सूखने के लिए डाले थे, तो वो रस्सी से कपड़े उतारते हुए मैंने देखा, तब जाकर के समझ आया। यानी कि यहां पर भी क्या हो गया, डबल मीनिंग हो गया। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल डबल मीनिंग के देखने को मिलेंगे। एक देखो, एक मूवी का अगर मुझे नाम याद आ रहा है, तुमने देखा होगा ग्रेट ग्रैंड मस्ती। ये जो ग्रेट ग्रैंड मस्ती, अगर किसी ने देखी हो मूवी, तो पूरी की पूरी मूवी जो है वो किस पर आधारित है, पन पर आधारित है। वहां पर एक प्रोफेसर साहब होते हैं जिनकी एक लड़की होती है, एक लड़की होती है, ठीक है, एक बहन होती है और
पत्नी होती हैं, और उन तीनों का नाम बड़ा फनी तरीके से वो उस मूवी के अंदर रखते हैं। ग्रेट ग्रैंड मस्ती करके मूवी है, उसमें जरा देखिएगा। यानी कि रोज, एक का नाम रखते हैं वो रोज, दूसरी का नाम रखते हैं मैरी, और तीसरी का नाम रखते हैं मार्लो। तो अलग, अगर इसको अलग अलग पढ़ोगे तो आपको रोज, फिर मैरी, फिर मार्लो, लेकिन अगर इन तीनों शब्दों को एक साथ मिलकर के पढ़ोगे तो फिर से आपको डबल मीनिंग नजर आएगा, और इससे एक फन क्रिएट होता है, एक हंसी आती है। ठीक है, बाद में जब रियलिटी हमें पता लगती है, अरे हम तो इस सेंस में बोला था, तुमने क्या समझ लिया। तो वही चीज क्या है, हमारी पन है। मुझे लग रहा है अब पन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है, कि आखिर ये पन फिगर आप स्पीच क्या है। चलो मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेकर के जो हैं उनको जरा अच्छे से क्लियर करता हूँ। जैसे हर कैट, उसकी बिल्ली इज है नियर द कंप्यूटर, कंप्यूटर के पास है, टू कीप एन आई, और अपनी नजरें बनाए हुई है, ठीक है, लगातार देख रही है ऑन द माउस। किसको माउस मीन्स क्या होता है, यहाँ पर एक माउस का मतलब क्या होगा भैया, चूहा होता है, और दूसरा माउस जो कंप्यूटर का, कंप्यूटर वाला माउस होता है, ठीक है, कौन सा होता है, कंप्यूटर वाला माउस होता है। तो यहां पर भी देखो दो मीनिंग आपको नजर आ जाएंगे, कौन कौन से, कि द कैट जो है, जो कैट है, कैट का मतलब क्या हो गया भैया, बिल्ली हो गया, यानी कि जो बिल्ली है उसकी बिल्ली चूहे पर नजर रखने के लिए कंप्यूटर के पास है, या ये भी कह सकते हो कि उसकी बिल्ली जो है वो कंप्यूटर के माउस के पास है, डेट मीन्स माउस रखा है उसी के पास, कौन बैठी है, बिल्ली बैठी है। तो ये कुछ भी यहाँ पे क्या है, डबल मीनिंग आपको नजर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमारा पन फिगर आप इस पीछे। दूसरा, यू वर राइट सो आई लेफ्ट, देखो यहाँ पर इसमें आपको इन दोनों शब्दों में पन फिगर आप इस पीछे नजर आएगा। कैसे, एक तो राइट का मतलब क्या होता है, ठीक, ऑल राइट, ठीक, और दूसरा राइट का मतलब दायां बायां वाला होता है, ठीक है, राइट राइट लेफ्ट। तो ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी लेफ्ट का, एक लेफ्ट का मतलब छोड़ना और दूसरे लेफ्ट का मतलब दायां बायां, यानी कि यू वर राइट, तुम ठीक थे, सो इसलिए आई लेफ्ट, मैं छोड़ गया, मैं छोड़ करके चला गया। दूसरा मीनिंग यहां पर क्या निकलेगा, यह निकल सकता है कि तुम दाहिने हाथ थे और हम बाएं हाथ, तुम दाहिने हाथ, हम बाएं हाथ। तो यहां पर देखो इस तरीके से भी यहां पर क्या है, हमारा डबल मीनिंग है, और जब डबल मीनिंग है तो कौन सा फिगर आप इस पीछे है, पन फिगर आप इस पीछे। एक और समझो एग्जांपल, ये एग्जांपल आपका तब बोला जाता है, तब बोला जाता है जब जो रोमियो होती है, यानी कि जो रोमियो और जूलियट बेन मर्कुस, जो मर्किसियो होता है वो स्टैब कर देता है, और डेट नोन ही इज डाइंग, और वो वहां पर मर रहा होता है, स्टैब का मतलब होता है चाकू घोप देना, ठीक है, और तभी वो मर रहा होता है, उसी समय वो बोलता है, क्या कहता है, आस्क फॉर मी टुमारो एंड शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। देखो ग्रेव के यहां पर डबल मीनिंग होगा, एक ग्रेव का मतलब क्या होता है, गंभीर हो जाना, ठीक है, बहुत सीरियस हो जाना, और दूसरा ग्रेव का मतलब क्या होता है, कब्र हो जाता है। तो यहां पर भी देखो डबल मीनिंग में बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, डबल मीनिंग में। एक ग्रेव जब एडजेक्टिव होता है तब इसका मतलब क्या होता है, सीरियस होता है, और दूसरा जब ग्रेव नाउन बन जाता है तब इसका मीनिंग क्या हो जाता है, जिसमें डेड पर्सन को दफनाया जाता है, यानी कि कब्र। बातें इतनी क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरा, इज लाइफ वर्थ लिविंग, इज लाइफ वर्थ लिविंग मतलब क्या हुआ, कि क्या जीवन जीने लायक है, इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। देखो एक लीवर, यहां पर भी लीवर के कितने मीनिंग होंगे, दो होंगे। एक लीवर ह्यूमन ऑर्गन होता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर लीवर होता है, भाई लीवर अच्छे से काम करेगा तो हम अच्छा जीवन जी पाएंगे। एक जीवन जीने के तरीका के बारे में, अगर हम जीवन जीने का तरीका, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होता है तो भी हम। तो यहां पर भी लीवर के क्या है, दो मीनिंग है, एक लीवर का मतलब है ह्यूमन ऑर्गन, और दूसरे लीवर का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को किस तरीके से जीता है, उसके सेंस में जीवन जीने वाला। दूसरा, अगला एग्जाम्पल अगर हम बात करें,
एक राजदूत, अम्बेसडर कौन होता है? राजदूत होता है। इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज। अब ये जो लाइज है ना, इसके दो मीनिंग होंगे, ठीक है। अब्रॉड फॉर अ गुड, फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। कैसे? मतलब ये हुआ भाई, एक राजदूत एक ईमानदार व्यक्ति होता है जो अपने देश की भलाई के लिए विदेश में रहता है, अब्रॉड में रहता है। अब्रॉड का मतलब क्या है? विदेश में रहता है। और लाइज का मतलब एक रहना, और दूसरे लाइज का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना या पड़े रहना भी होता है। क्या होता है? झूठ बोलना या पड़े रहना भी होता है, ठीक है। तो यहां पर भी लाइज जो वर्ड है ना, वो पन के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। अगला देखो, एक और एग्जाम्पल। द टॉलेस्ट बिल्डिंग, यानी कि सबसे बड़ी बिल्डिंग इन टाउन, कस्बा में, इज द लाइब्रेरी। वो क्या है? एक लाइब्रेरी है। इट हैज थाउजेंड ऑफ स्टोरीज, और उसके अंदर हजारों, देखो स्टोरीज के भी दो मीनिंग हो गए। एक स्टोरीज मीन्स होता है कहानियां, और दूसरा स्टोरीज का मतलब क्या होता है? मंजिल। क्या होता है? मंजिल। यानी कि अब दो मीनिंग में, या तो उस लाइब्रेरी के अंदर हजारों कहानियां हैं, डेट मीन्स कहानियों वाली बुक हैं, या आप ये कह सकते हो हजारों स्टोरी हैं, यानी कि कई मंजिला इमारत है। तो इस सेंस में यहां पर भी जो स्टोरीज शब्द है, वो पन का मीनिंग रखता है, डबल मीनिंग रखता है। और जब डबल मीनिंग है तो भाई वहां पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से श्लेष अलंकार बढ़िया करके समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।